और बच्चों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग चैप्टर 10 का अंतिम एक्सरसाइज बनाने वाले हैं और इसको आज करेंगे हम लोग कंप्लीट। एक्सरसाइज 59, इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, उससे संबंधित वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसलिए मैं कई सारे क्वेश्चन इसको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हैं, 9.234 के जी, और इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन मल्टीप्लाई इसको करने के बाद सिर्फ यहाँ पे छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉइंट वाला मल्टीप्लाई में क्या होता है, आप इधर से गिनिए 1 2 3 डिजिट, 3 नंबर गिनने के बाद जो है आप जो आंसर आएगा उसको इधर से गिनना है 1 2 3, और इसके बाद यहाँ पर लगाना है पॉइंट। ये हो गया। और इसको क्या करना है, 46.170 के जी लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, और उसी तरह से इसमें भी 3 नंबर गिनना है 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, और यहाँ पे 100.544 के जी। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि इसमें 2 डिजिट का दिया हुआ है, तो मैं इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 2 10 हो गया, 0 1 बच गया, 8 2 16 117 फिर 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और 4 2 8 हो गया। अब यहाँ 1 रहने से काफ़ी आसान होता है, 1 रहने से क्या होता है, ये जो पूरा है वो उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 8 0 और 4, ये हो गया। और इसको करेंगे प्लस, 0 7 5 12 हो गया, 1 बच गया, 9 और 10 हो गया, 1 बच गया, 8 और 1 9 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ पे भी हम लोग 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 449.020 के जी। ये हो गया इसका आंसर, काफ़ी आसान है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, डिवाइड दिया हुआ है, तो ये डिवाइड है, कई सारे डिवाइड और हैं, तो मैं ये पहला डिवाइड है तो इसको पहले मैं आप लोगों के लिए बना के दिखा देता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट देना नहीं है। मल्टीप्लाई में भी कहीं भी पॉइंट मैंने नहीं दिया है, तो पॉइंट आप लोगों को नहीं लगाना है, लास्ट पॉइंट लगाना है। इधर अगर पॉइंट आप लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इसमें भी कोई पॉइंट नहीं लगाना है, आप सीधा नंबर लिखिए इसको और सीधा डिवाइड दीजिए। 8 8 6 48 हो गया, ये 48 और ये कट गया, यहाँ पर 0 आया तो डिवाइड किया नहीं, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 हुआ तो 1 बार में जा रहा है, 8 1 8 ये कट गया, फिर यहाँ 0 आया, और फिर ये 0 यहाँ आ गया। तो यहाँ भी 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग गिनेंगे 1 2 3 यहाँ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.010 के जी। ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, तो उसी तरह का सेम डिवाइड दिया हुआ है, तो कोई भी पॉइंट नहीं रखना है। इस तरह से जब आंसर आएगा तो क्या करना है, 1 2 3 के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, बस इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 3.147 के जी आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, सेम टू सेम उसी तरह से डिवाइड देना है, डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पे, और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.671 के जी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट में जो है मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग इसको मल्टीप्लाई में करके दिखा देता हूँ। 5 5 25 हो गया, 2 बच गया, 7 5 35 और 2 37 हो गया, 3 बच गया, 8 5 40 हो गया, 1 क्रॉस, 5 2 10 0 1 बच गया, 7 2 14 और 1 15 5 1 बच गया, 8 2 16 और 1 17 ये हो गया 17। इसको हम लोग प्लस करेंगे, 5 7 5 3 8 हो गया, और यहाँ पे 7 4 11 1 बच गया, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम में दिया हुआ है, तो ये ग्राम हो गया, इतना ग्राम में आया हुआ है। इसका आंसर जो है ग्राम में हो जाएगा, ग्राम से हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ग्राम से किलोग्राम में, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से 875 इसको 1000 से डिवाइड, तो डिवाइड बतलाए थे आप लोगों को, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1230 है, तो 3 तो गिनने के बाद जो है इसमें पॉइंट दे देना है,
21.875 kg, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ जो आंसर आया हुआ है वही आंसर नहीं है, 3 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट देना है और वो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पॉइंट देना है, तो इसका मतलब है कि 20.310 जो है ये ना केजी आंसर हो जाएगा। ये हो गया 9 एक अलग तरह का क्वेश्चन है, तो इसको इसीलिए मैंने इसको खाली रखा है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ मैंगोज पर किलोग्राम 20 रुपीज़, एक किलो आम का कीमत 20 रुपया है। आसिफ बाउट 579 ग्राम, वो केजी में खरीदा नहीं है, वो ग्राम में खरीदा है मैंगोज, इतना ग्राम मैंगोज लिया है। व्हाट डिड ही पे फॉर द मैंगोज, एक किलो का वजन इतना है और वो आधा किलो से कुछ ज़्यादा खरीदा है। तो हम लोग जो है जानते हैं कि ग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग एक केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो वन केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kg का कीमत 20 रुपया या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कीमत 20 रुपया, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम मैंगोज इक्वल टू 20 रुपीज़, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का मैंगो का कीमत क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मैंगो इक्वल टू 20/1000, ये हो गया। तो फिर ये जितना ग्राम बोल रहा है उतना ग्राम के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ 579 ग्राम मैंगो के लिए 20/1000 × 579, तो इसको 1 0 काट देते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे और उसको फिर 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जगह नहीं हो रहा है, एक रफ पेज ले लेते हैं, यहाँ पे 579 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 1 बच गया, 7 × 2 = 14 15 हो गया, 1 बच गया, 5 × 2 = 10 11 हो गया, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 58, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे में 100 बचा हुआ है, 2 0 है इसमें, तो 2 0 के 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब है कि इतना 58 रुपीज़ जो है उसको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये आ गया 118/100 और इसका जो है जब हम डिवाइड करते हैं तो इतना आ रहा है ₹11.58, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर टेन में डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें केजी लिखा हुआ है, एक्चुअली ग्राम में दिया हुआ है, 0.848 kg दिया हुआ है। टॉफी वेयर शेयर्ड इक्वली बाय 8 बॉयज़, इतना केजी टॉफी है और 8 बच्चों में उसको इक्वली बांटना, बराबर बांटना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच बॉय, तो एक बच्चे को क्या मिलेगा। तो इतना का मतलब, इतना केजी यहाँ पे दिया हुआ है, इतना केजी का मतलब इतना ग्राम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो केजी में 0 है और ग्राम में सिर्फ है, तो इतना ग्राम हो गया। तो पहले जो हम लोग ग्राम का ही इसका आंसर पहले निकालते हैं, इसका ग्राम में ही आएगा, तो 8 × 1 = 8 कट गया, 4 तो नहीं जाएगा, 0 हो गया, और फिर 8 × 6 = 48 ये कट गया, तो इतना ग्राम हो गया। यहाँ पे हम पॉइंट नहीं, बीच में पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद अगर आ रहा है तो इसमें पॉइंट आने की लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पॉइंट लगाते हैं तो वो केजी में आंसर आएगा, तो 106 ग्राम हो गया गेट्स ईच बॉय, ये आंसर हो जाएगा। या अगर हम केजी में दिखाते हैं तो इसी को लिखेंगे, सिर्फ 0 पॉइंट लगा के इसको कर देंगे और फिर जी के जगह केजी कर देंगे, ग्राम की जगह केजी कर देंगे, जैसे कि इस तरह से लिख सकते हैं 0.106 kg, केजी में ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, इतना केजी बनाना वाई डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 12 पर्सन, 12 kg प्लस जो है बनाना है और उसको 12 लोगों में इक्वली बांटना है, हाउ मच वॉज शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा।
तो डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे थ्री डिजिट के बाद पॉइंट पॉइंट देना है, ये पॉइंट यहाँ देंगे हम लोग, और यहाँ पे एक व्यक्ति को क्या मिल जाएगा, 1.039 kg। गेट्स इच पर्सन, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, इतना केजी सभी डिवाइड है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। इतना केजी पोटैटो चिप्स वेयर पुट इक्वली इन 16 पैकेट, 16 पैकेट में इक्वली जो है उसको भरना है। फाइंड द वेट ऑफ वन पैकेट, तो एक पैकेट में कितना आएगा, 16 पैकेट में इसको भरने के लिए इतना आ रहा है, इतना आ रहा है मतलब पॉइंट हमको देना है, पॉइंट देना है, तो इतना ग्राम हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे ग्राम में तो ये ठीक है, और केजी में लिखेंगे तो पॉइंट लगा के लिखना पड़ेगा, तो हम इसमें पॉइंट नहीं लगाते हैं, इसमें ये ग्राम हो गया, इतना ग्राम इच पैकेट, इच पैकेट, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो लास्ट क्वेश्चन इसका है, इफ द वेट ऑफ 5 बॉक्सेस ऑफ स्वीट इज इतना, मिठाई का 5 डिब्बा है जिसका वजन इतना है, हाउ मच विल 2 बॉक्सेस इच, अगर 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो जो वेट आएगा वो 1 बॉक्स का आएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट दे देते हैं इतना, तो इतना केजी, इतना केजी एक बक्से का वेट आ जाएगा, वेट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 1.250 kg, एक बक्से का, तो दो बक्से का पूछ रहा है तो इसको हम डबल कर देंगे, वेट ऑफ 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1.250 × 2, इसको कर देंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, फिर 0 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 5 और 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 2 × 1 = 2, ये 2 kg 500 ग्राम, इतना kg, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे एक्सरसाइज 59 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। बच्चों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।